कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह, आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग करेंगे जुलाई मंथ के 600 बेस्ट करंट अफेयर जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे विद एक्सप्लेनेशन। मतलब कि एमसीक्यू तो होंगे लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में होगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी यूपीएससी और भी जो भी स्टेट की एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ भी सक्सेस मंच पेज और सक्सेस मंच टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पिडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है मारिच। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पिड डिकाय सिस्टम मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है, और यहां आने वाले टॉर्पिडो का पता लगाने और उनकी लोकेशन की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में ये सक्षम है। अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो इसे इंग्लिश में इंडियन नेवी कहा जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और नौसेना के अध्यक्ष हैं इस समय एडमिरल करमवीर सिंह। डीआरडीओ की यहाँ पे बात करते हैं तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा, और लोगों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ के हैं लालजी टंडन। और अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, और एक और है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 59 चीनी ऐप पर बैन लग चुका है इस समय। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। ऐप में कुछ एग्जांपल जैसे कि टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र एक्सेट्रा, इस टाइप के ऐप हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस मंत्रालय ने इसको ब्लॉक करने का निर्णय किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हमारे बने हैं अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल जो है 160 सीटें हैं। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध में, और 3 पर मतदान ही नहीं हुआ था। वह 2011 से फियाना फील्ड पार्टी के नेता भी हैं। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है डबलिन, इसकी मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस, और अभी प्रधानमंत्री जो बने हैं वो है माइकल मार्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, और उन्हें आगामी 2020-21 के सत्र के लिए एलीट पैनल में शामिल किया गया। अगर आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, मतलब कि 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई में, सीईओ है इसके मनु साहनी, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जो है इंडियन शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीने में अपने गृह लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीने तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नरेंद्र मोदी नहीं, इसका आंसर नरेंद्र तोमर होगा। मैंने सॉरी गलती से आंसर दे दिया था, इसका नरेंद्र तोमर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेजन इंडिया ने, जबकि कंपनी ने इस वर्ष 100% प्लास्टिक मुक्त और बायोडिग्रेबल पेपर टैप पेश भी किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन का चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये है मेधा राज, इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा मेधा राज। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला मेधा राज को राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार है बिडेन, उनके डिजिटल कैंपेन का चीफ नियुक्त किया गया है। वे डिजिटल विभाग के सभी पहलुओं पर यहाँ पर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का IIT संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो ये बन गया है हमारा IIT मद्रास। हाल ही में IIT मद्रास ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन डिप्लोमा और BSc कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2,185 करोड़ की कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये 18 परियोजनाओं की इन्होंने शुरुआत की है, सॉरी 12 परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें लगभग 67 लाख आबादी को यहाँ लाभ होगा। बुंदेलखंड से शुरू ये परियोजना 4 चरणों में शुरू होगी, जिसकी लागत 10,131 करोड़ रुपए है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जुलाई को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो एज यू नो ये है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। तो 1 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे 1 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक आएगा स्टेट बैंक की जगह। रिजर्व बैंक में 10,000 शाखाएं हैं और 8,500 ATM नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो ये लगाई है यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में कोरोना वायरस के मामले की वजह से पाकिस्तान आने वाले सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने कहा है कि एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा, जब तक टेस्टिंग लैब नहीं बनती तब तक किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाल ही में 36 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो ये जो आसियान सम्मेलन हुआ इसका उद्देश्य था COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग करना। आसियान समिट का 36वां जो संस्करण है वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया गया। अब आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1967 को, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसके करंट जो महासचिव हैं वो जनरल लिस जोक होई। अगर हम वियतनाम की यहाँ बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है हनोई, मुद्रा है इसकी दोंग, इसके प्रधानमंत्री हैं ग्यूएन तन जुंग और इसके राष्ट्रपति हैं दुएन फू त्रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इस परियोजना के अंतर्गत COVID-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोकसभा में यहाँ 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर हैं बोरीवली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तनसा नेशनल पार्क। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे BARC भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में।
हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है जर्मनी के। जर्मन स्ट्राइक ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए थे और उन्हें अपने समय से सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं मलावी के नए राष्ट्रपति। इस चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को 58.57 मतों से हराया था। अगर हम परीक्षा दृष्टि से बात करें तो मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लिलोंगवे और यहाँ की मुद्रा है मलावियन कांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भूटान देश के साथ। भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। परीक्षा दृष्टि से हम बात करते हैं तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, भूटान की मुद्रा है भूटानी नेगुल्टम और प्रधानमंत्री हैं लोतोए तेशरिंग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। लाइकेन की रक्षा संरक्षण और खेती के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग जो है वह पिथौरागढ़ जिले के मनुसियारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है और इस लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहा जाता है। अगर यह उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून और गैर सर्विस की राजधानी ही है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी के हैं और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। लोकसभा में यहाँ 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें हैं। नेशनल पार्क है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे जो मुख्य झीलें हैं वो हैं नैनीताल झील, दोड़ीताल झील, नंदीकुंड झील और रूपकुंड झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है यह भी उत्तराखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया और ये योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में यहाँ 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं जिनमें से मुख्य हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है बेयोंसे को। बैट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अल्पसंख्यकों के संगीत अभिनय खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है? तो ये है ZTE। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिका ने चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जिसे FCC भी कहा जाता है ने इस कंपनियों को खतरनाक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन हैदराबाद, कौन सी जो पहली वैक्सीन है वो हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है, तो उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है? तो उनका था 65th स्थापना दिवस, मतलब कि 65वां स्थापना दिवस, और बैंक की आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश में योनो शाखा खोलने की योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये इन्होंने अपना 4th संस्करण जारी किया है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने हाल ही में अपना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का 4th संस्करण जारी किया है, जिसमें किताबों में महिलाओं को जहाँ भी शामिल किया गया है वहाँ पर पारंपरिक और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे है झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य की रांची की 29 ईयर्स की कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया। ये पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं प्रवीण तांबे। ये आईपीएल में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने इन्हें मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया है? तो ये थे 53 ईयर्स के, और ये दिल्ली क्रिकेट के लिए एक जाना पहचाने नाम थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंडर 23 टीम के साथ बतौर सहयोगी स्टाफ काम किया था, और उनके निधन पर BCCI ने शोक भी जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? तो ये किया है पाकिस्तानी सेना ने। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना में हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो करेक्ट आंसर है शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद से इस्तीफा दे दिया है। ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। विश्व में जो क्रिकेट मैच करवाता है वो ICC ही करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके अभी फिलहाल CEO है मनु साहनी और अध्यक्ष शशांक मनोहर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। हाल ही में भारत सरकार ने अटर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो ये अभी फिलहाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये KK जो वेणुगोपाल हैं, ये भारत के 15वें अटर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी जिन्हें कहा जाता है। वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुडनी जॉनसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति। उन्होंने राष्ट्रपति चुनावों में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की, जो कि आइसलैंडिंग राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। आइसलैंड की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी रिक जैविक है। आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है, और प्रधानमंत्री कैटरीन जैको बसदौतिर हैं, और राष्ट्रपति गुडनी जॉनसन यहाँ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य के लिए। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तमिलनाडु की यहाँ बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं K. पलानीस्वामी, इसके राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा की यहाँ 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 234 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को।
भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। जडेजा अब तक 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 2020 मैच खेले हैं इन्होंने। अब बीसीसीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसका मुख्यालय है मुंबई में। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है, तो ये की है 2 साल के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। वर्ष 2012 में हॉलीवुड में वॉइस एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू करने वाली प्रियंका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं, तो ये रह सकते हैं 2036 तक। संविधान संशोधन कानून के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6-6 वर्ष के लिए 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है, तो ये है सचिन तेंदुलकर के। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। साथ ही 15 मैन ऑफ द सीरीज भी इनके नाम है, जबकि अब तक 248 वनडे इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं और वे अब तक 36 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के लियोनेस मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी ये बन गए हैं, तो ये बन गए हैं 7th खिलाड़ी। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7th खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि मेसी ने 862 मार्च में ये रिकॉर्ड और रोनाल्डो ने 972 मार्च निया मैच आएगा मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की गलवन घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों वेबसाइट पर रोक लगा दी है, तो ये लगाई है चाइना ने यानी चीन ने। हालांकि भारत में भी चीनी अखबारों वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई गई है फिलहाल, और साथ ही चीन में केबल नेटवर्क और डीटीएच से भारतीय टीवी चैनल भी गायब हो गए हैं। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये दिया है हमारे न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड क्लार्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के बाद आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है, तो ये किया है हमारी कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। तो कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, इसके मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा में कर्नाटक की सीटें हैं 28, राज्यसभा में 12 हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक थे। IOC मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय तेल निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को और मुख्यालय था इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खेल दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल दिवस विश्व स्तर पर खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में किया गया था और इस वर्ष इसकी ये 96वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जनेवा शहर के लिए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इससे पहले जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका कार्यकाल 3 साल का था, जो कि पूरा हो चुका है। जनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में एक देश है, और यूएन की अगर बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसमें प्रेजेंटली इस समय 193 कैंडिडेट्स हैं और अध्यक्ष इसके हैं एंटीनो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज की कीमतों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान TV जैसे वैल्यू एडिट सेवाएं ये प्रदान करेगी। HDFC की फुल फॉर्म की अगर यहाँ बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी मतलब कि CVO का पदभार संभाला है? तो ये हैं हमारे रविंद्र भाकर। ये अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ये इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज के 1999 बैच के अधिकारी हैं और CBFC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है? तो ये है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी दोनों। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक हैं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को COVID-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो ये बनी है हमारी टेस्ला। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ जापानी कंपनी टोयोटो को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब तक टोयोटो को ही सबसे वैल्यूएबल कंपनी का खिताब हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये एम्बुलेंस नेशनल इमरजेंसी सर्विस 108 और राज्य हेल्थ सर्विस 104 नंबर वाली है। इसमें प्रोग्राम की कवरेज के लिए 5 ड्रोन कैमरे का उपयोग भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता, तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रिहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो ये है अमेरिका। भारत के जो गृह मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड से जुड़े इवेंट का आयोजन करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे भारत विरोधी और खासकर कश्मीर प्रोपोगेंडा को फंडिंग भी करता है। हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने।
ये सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है और ये उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। IIT कानपुर की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। इसके जो प्रेजेंट निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, जिसे MSME भी कहा जाता है, के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये दी है 750 मिलियन डॉलर को। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर MSME की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, मुख्यालय है Washington DC में, और MD और CEO हैं प्रेजेंटली अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की न्यूजीलैंड ने घोषणा की है, और ये शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। अगर APEC की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कार्यकारी निदेशक हैं इसके डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया। मुख्यालय है इसका सिंगापुर में। और यहीं अगर न्यूजीलैंड को देखें हम तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डनन। और ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आप लोगों के लिए मैं स्पेशली लेके आती हूँ कि न्यूज़ के साथ साथ आप लोगों का GS GK भी तैयार होता रहे, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो एज यू ऑल नो कोरियोग्राफर थी वो। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट, श्रृंगारम जो कि तमिल फिल्म है, फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, खलनायक, चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फॉर अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है M. वेंकैया नायडू ने। इस पुस्तक को CAV पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था, और M. वेंकैया नायडू जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ICT एकेडमी जो है उसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है फेसबुक ने। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है। 10 जुलाई के बाद ये ऐप इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो जियो ने किया है जियो मीट नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से एक बार में डायरेक्ट कॉल सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल यूज़र को मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये है दवा कोरोनिल को। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, और कहा है कि पतंजलि यह दवा केवल शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये तीसरा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा, जो कि 100 एकड़ में राजस्थान में बनाया जाएगा।
जिसका डिज़ाइन भी फाइनल कर चुके हैं और बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है दुनिया का और मेलबर्न स्टेडियम सेकंड नंबर पे आता है। ये जो बनने जा रहा है राजस्थान में, ये थर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम में। हाल ही में वियतनाम के हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250। इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक में गोल्ड प्लेट है। डोल्स हनोई गोल्डन लेक नाम के इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई। हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है? तो जल जीवन मिशन को लागू किया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर यहाँ जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वैशाली मोहंती को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वैशाली मोहंती ने अपने पहले ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। हम यहाँ यूनाइटेड नेशन UN की बात करते हैं तो इसको संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और उसके सदस्य हैं 193 और उसके करंटली जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। ये एक टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाता है और लोन बहुत जल्दी जारी हो जाता है। अगर HDFC की फुल फॉर्म देखें तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है इसके CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि BJP के हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता प्राप्त की है? तो ये है फ्रिया ठकराल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है? तो ये है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार करता है। ADB की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को, जिसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं इसके मात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? तो ये साइकिल कंपनी है हीरो साइकिल। भारत की हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान में दिए थे।
अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग व्यास परिवार परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो भारत की राजधानी दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिसके उद्घाटन राज्यपाल अनिल बैजल ने किया। ये सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है? तो ये है झारखंड राज्य सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है। राज्य के आपदा प्रबंधक सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो अगर आपको पता होगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका आंसर आपको आता होगा। तो ये है उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खेल में दो बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास ले लिया है। इनमें से कौन, जो लिन डेन है, कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो लिन डेन संबंधित है बैडमिंटन से, जिन्होंने दो बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास लिया है। कैरियर के आखिरी दौर में वे फॉर्म्स के लिए जूझते रहे और विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर आ गए। लगातार दो बार ओलंपिक पुरुष एकल खिताब जीतने वाले वो एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपये को हटाने की घोषणा की है? तो ये उन्होंने किया है 2,00,000 रुपये। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2,00,000 रुपये को हाल ही में हटाने की घोषणा की है, जिससे बेहतर परिणाम देने के लिए वे प्रोत्साहित। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है फेसबुक के साथ समझौता। केंद्रीय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। CBSE की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष है मनोज अहूजा। फेसबुक की स्थापना हुई है फरवरी 2004 में और CEO है इसके, एज यू नो, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया के सिनेरियो से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शेषनाग। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। अगर भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की किताब लिखी है। ये किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगी और इसे हार्पर कार्लिस इंडिया ने प्रकाशित किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये हैं भरत पन्नू। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी भोपाल है, इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीक और सबसे बड़े चंद्रमा के फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो ये है मंगल। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं जो मंगल के हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है हाल ही में मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिससे के मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरे ने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर बहुत ही बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसे स्टिकनी नामक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो ये स्कीम है टॉप्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म है टॉप्स, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाना है। सरकार इस स्कीम के लिए 10 से 12 साल की प्रतिभाओं की खोज कर उसे अपनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एलिमेंट्स। डिस्क्रिप्शन है कि जैसे कि जिसके यूज़र गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इसे कर सकते हैं एलिमेंट्स ऐप को, और ये ऐप पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर था लेकिन अब इसे व्यावसायिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। तो ये हम कहेंगे भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? तो ये है 40 वेबसाइट। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान इन्हें चला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 188 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये है हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन द रॉक जॉनसन 188 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी बन गए हैं। और ड्वेन द रॉक जॉनसन की ब्रांडेड पोस्ट करने पर 1.015 की कमाई होती है डॉलर, मतलब कि करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। और उन्होंने हाल ही में फॉलोवर्स के मामले में काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है? तो ये अभी का लेटेस्ट डाटा है, मतलब कि मैं 8 जुलाई की बात कर रही हूँ। इसके बाद डेटा अपडेट जैसे ही होता रहेगा मैं ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ यहाँ पर देती रहूँगी। तो ये आप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका करंट अफेयर ये थोड़ा देख के आप लोग समझ के कीजिएगा। तो भारत ने रूस को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वर्ल्ड मीटर के अनुसार रूस में अभी तक 681,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका संसद ने हांगकांग में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को पारित किया है? तो ये पारित किया है चीन के खिलाफ। चीन अमेरिकी संसद ने हाल ही में हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई करने के लिए चीन के खिलाफ
प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो जैसा कि अगर आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, बलराम योजना उड़ीसा सरकार की है, क्योंकि सुभद्रा कृष्ण और बलराम की जो जगन्नाथपुरी की झांकी वहीं से निकाली जाती है, तो इसीलिए उड़ीसा सरकार की योजना। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों की इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। मैं यहाँ उड़ीसा की बात कर रही हूँ। उड़ीसा की स्थापना और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मोहम्मद रफीक। लोकसभा में यहाँ 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो महा मतलब महाराष्ट्र, आप ऐसे याद रखेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये। ये जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें। नेशनल पार्क हैं बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तनसा नेशनल पार्क। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। तो ये जीके के क्वेश्चन मैं साथ में इसलिए देती हूँ कि मेन जो चीज़ें हैं आपको साथ के साथ अगर आप देखते जाएंगे तो आपको लर्न होती जाएंगी। इसलिए एक एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको बस देख के सब लर्न हो जाए, प्लस PDF तो प्रोवाइड करवाऊँगी इसका। हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं इंजेती श्रीनिवास। डिस्क्रिप्शन के अनुसार 1983 के बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब IFSCA की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है लखनऊ, योगी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीन कॉन्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्त होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये हुए हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। जीन कॉन्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा की गई और जीन कॉन्टेक्स ने पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। तो राष्ट्रपति भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन डाइट शुरू की है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल है अनिल बैजल और पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय। लोकसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हमारी पर्यटन नगरी मध्य प्रदेश ने। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें इनकी GK की, तो इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जिसमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क,
कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसमें प्रमुख हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष पर OFEK 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ये की है इजराइल ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए इजरायली जासूस उपग्रह के बाद सफल पहला परीक्षण है। और OFEK 16 के बारे में बता दें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है, जो कि ब्लू एंड वाइट तकनीक सहित उन्नत तकनीकों से लैस है, जिसका पेलोड रक्षा उपक्रम एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसराइल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है यरूशलम, मुद्रा है इसकी इसराइल शकेल, राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है यहाँ पर 34th पोजिशन पे। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34 पोजीशन पे है, जबकि चीन 32, थाईलैंड 33, इंडोनेशिया 40 और फिलीपींस 44 और वियतनाम 56 स्थान पे रहा है। भारत की 2018 में रैंकिंग 35 थी, तो 18 की रैंकिंग की कंपैरिजन में एक स्थान कम हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन है? तो ये हैं हरीश शाह। हरीश शाह का निधन हो गया है, जो कि बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। और उनकी मुख्य फिल्में थी काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, धन दौलत, जलजला, जाल द ट्रैप और अनगिनत फिल्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन मिशन लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन मिशन भारतीय रेलवे का है, पहली बार ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। और ये मिशन कब तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है, ये है 2030 तक, जिसके लिए अपने दशकों से खाली पड़ी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने की उसने घोषणा की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर भारतीय रेलवे काम कर रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है? तो ये काम अमेरिका ने किया था, क्योंकि घोषणा बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन औपचारिक रूप से अब उसने अपने आप को हटा लिया है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। डेट भी यहाँ आप मेंशन है, तो आप याद रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ के बाजार की हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो एज ऑब्वियस ये पहली कंपनी भारत की बन गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी जो कीमत है या हैसियत है 11.5 लाख करोड़ है, भारत की पहली कंपनी बन गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वर्ष जून में 11 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की है। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी ऐप हटा दिए हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है 4500 गेम्स ऐप। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से 4500 गेम्स ऐप हटा दिए हैं। चीनी सरकार द्वारा 1 जुलाई से जारी की गई इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल को अपने चीनी ऐप स्टोर से 4500 से ज़्यादा गेम्स हटाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो अगर आप लोगों को पता हो रीवा कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नंतास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया था? तो ये किया है ईरान देश ने। ईरान ने नंतास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जिससे एक कारखाने को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि आग के कारण का पता लगाया जा चुका है और उचित समय पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया गया है? तो ये लाए हैं कुवैत देश ने, कुवैत सरकार ने, कुवैत देश ने विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया है और इसके मंजूर होने के बाद 8 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। अप्रवासी कोटा विधेयक में खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में यहाँ कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका देश में से किस देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो ये है बोत्सवाना देश। पूरे अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी बोत्सवाना में ही हैं और वर्ष 2014 में इस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। बॉलीवुड की वेटरन कॉमेडियन जिसने शोले फिल्म में अभिनय किया था, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वह कौन है? तो आप लोग जैसे कि जानते हो कि जगदीप जिसने सूरमा भोपाली का रोल किया था, उनका निधन हो गया है। जगदीप बॉलीवुड की वेटरन कॉमेडियन जिसने शोले फिल्म में अभिनय किया था और जगदीप का उनका निधन हो गया है और उनके निधन पर सबने शोक व्यक्त किया है। जगदीप उर्फ सूरमा भोपाली जिन्हें कहा जाता है, अमिताभ बच्चन के साथ शोले और शहंशाह समेत कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय यूजर के लिए टिकटॉक जैसे फीचर रील्स लॉन्च किया है? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर के लिए टिकटॉक जैसे फीचर्स रील्स को लॉन्च किया है। रील्स है जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरह काम करता है, जिसके यूजर ऑडियो फाइल्स या म्यूजिक ट्रैक के साथ 15 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो ज़रूर इसको डाउनलोड करके वीडियो बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में हाल ही में कितने ऐप को बैन कर दिया है? तो भारतीय सेना ने 89 ऐप को बैन कर दिया और इंडियन ने जो केंद्र सरकार थी उसने 59 ऐप को बैन कर दिया था। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मार्टफोन से ऐप हटाने का आदेश दिया गया है। बैन किए गए टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर, फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम जैसे चाइनीज ऐप शामिल हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट्स में किस मुख्य कोच को 25 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर पद से हटना पड़ा है? तो वो हैं हमारे बहादुर सिंह। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय एथलीट के मुख्य कोच जो बहादुर सिंह हैं, उन्हें 25 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर पद से हटना पड़ा है। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे साई कहा जाता है के साथ उनका अनुबंध भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा। तो ये है असम सरकार। ये वन्यजीव अभयारण्य असम में क्षेत्रफल 1,011.942 वर्ग किलोमीटर में है। अपग्रेड होने के बाद ये अभयारण्य असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के कितने साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया है? तो ये हुआ है 143 ईयर्स बाद। कोरोना के कारण 143 साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 8 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लगभग 4 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एमादो गोन कुलीबली का हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हमारे हैं आइवरी कोस्ट के। फ्रांस में 2 महीने तक इलाज चलने के बाद हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोल कुलीबली का हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये आइवरी कोस्ट के सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टीमीडिया ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो ये है नेपाल।
नेपाल के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है और सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? तो ये है गोल्डन बर्ड विंग तितली। हिमालय की हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम ड्राइडस आइकस है। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इम्वांस ने 1932 में खोजा था। इस प्रजाति की पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है और इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविन दक्षिण बर्डविन 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव और श्रीलंका ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्होंने खसरा और चेचक को समाप्त कर दिया है। खसरा एक गंभीर बीमारी है जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है और चेचक बीमारी से गर्भवती स्त्री के घर में पल रहे बच्चा अंधा बहरा और मंदबुद्धि पैदा होता है। मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे दो पहले देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक खतरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। अगर हम इन दोनों कंट्रीज की सेपरेट बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रपति है गोतबाय राजपक्षे और प्रधानमंत्री है यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे। मालदीव की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो राजधानी है माले, मुद्रा है लिए। मालदीव के राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री है लिए मालदीव रूफिया, इसकी मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहिन मोहम्मद सोलीह। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7008 करोड़ रुपये है, तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7008 करोड़ रुपए रहा। साथ ही TCS ने 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया है हमारे केंद्र सरकार ने, जिससे फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और मध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो कल मनाया गया वो था विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 11 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं और वैश्विक चेतना जागृत करना है। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तमिलनाडु राज्य के जी आकाश, जिनकी FIDE रेटिंग 2495 है, वे देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। अब जो एशिया कप है वो 2021 में श्रीलंका में आयोजित होगा, जिसकी पुष्टि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने की है, जबकि 2022 में टूर्नामेंट PCB कराएगा। ऐसे में लगातार 2 साल यह एशिया कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का किसका इस्तीफा मंजूर किया है? तो ये किया है राहुल जोहरी का इस्तीफा मंजूर।
बीसीसीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ राहुल जोहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जबकि जोहरी ने 27 दिसंबर को भी पद से इस्तीफा दिया था, पर उसे नामंजूर उस समय कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक राहुल जोहरी पर गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक करने का आरोप लगाने का शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष इनमें से किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं हमारे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसे हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। अब नए अध्यक्ष के चुनाव होने तक ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है अमेरिका ने। यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने भी पायलटों के फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है, जबकि EASA ने पाकिस्तान सरकार की विमानन कंपनी पर 6 महीने के लिए रोक लगा रखी। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, और ये किस राज्य में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का नादौन जो पुलिस स्टेशन है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन इंडिया में चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी शिमला है, इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 68 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, लाचा आएगा यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, किरण गंगा नेशनल पार्क, सिमलबरा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सीकरी देवी नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका रीलॉन्च हुआ है गूगल करेंट नाम से। गूगल करंट अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है, हालांकि गूगल का ये ऐप दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइजेस कस्टमर ही कर सकते हैं। अगर हम गूगल की यहाँ बात करें तो ये एक तरह का सर्च इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक संगेई ब्रिन और लैरी पेज हैं, और इस समय इसके CEO हैं सुंदर पिचई, जो इंडियन मूल के हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? तो ये दिया गया है लुसाने में। लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक देश है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। IOC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइटल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्क्वैश खिलाड़ी रानेश एल वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो ये है मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की, और विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वेक्षण
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये किया गया था, आप लोग को याद होगा, जैसे कि 2018 में एक सर्वेक्षण बाघों पर किया गया था जिसमें बाघों की संख्या दुगनी हो गई बताई गई थी, और ये सर्वेक्षण में अब इस सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है, आज तक जितने भी सर्वे हुए सबसे बड़ा सर्वे ये हुआ है। ये 121,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिए हैं, इसमें सभी आगामी सेमेस्टर टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम सब शामिल यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 15 जुलाई 2020 को। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष के शुरू में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था, बट अब हो रहा है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके। कैबिनेट के इस फैसले से भारत के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूलन राज्यों से बराबरी करने के अपने लक्ष्य को ये पूरा कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने तक के बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 5 महीने तक बढ़ाने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये योजना जुलाई से नवंबर 2020 में लागू होगी, और इस योजना के माध्यम से 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है जापान ने। जापान ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने की घोषणा की है, जो कि 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ वर्षों में तैयार हो जाएंगे। साथ ही हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट की भी डील हुई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। अगर हम AI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि। ये कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जा सकती है। केंद्रीय कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री जो हमारे हैं वो है महेंद्र नाथ पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और यूरोपीय संघ के बीच। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय हॉकी संघ, ये जो भारत में हॉकी खेल होते हैं इनको ये रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं हमारे ग्राहम रीड, और महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं वो है शॉर्ड मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की है? तो ये हमारी की है बोइंग ने। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी 5
AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ 22 नए AH-64E अपाचे और CH-47F1 चीनू के भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। अगर हम बोइंग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में, जिसका मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है और इसके MD और CEO हैं डेविड एल चलहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है तेंजिंग गेयो टेनथांग। दलाई लामा की जीवनी पर लिखी हिज लोनीलेस द 14th दलाई लामा द इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा और इस पुस्तक को रोली बुक्स ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत की सेना ने। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। यूनिफिल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल। इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1978 को और मुख्यालय है नकोरा लेबनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत हाल ही में अमेरिका नौसेना में किस मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये है अफ्रीका मूल की। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में अफ्रीका मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला बनकर पायलट महिला जो है पायलट बनी है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। और लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल को इस महीने के आखिर तक फ्लाइट अधिकारी का बैच मिलेगा, जिसे विंग ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है सेबी ने। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनिमयन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सहकारी समिति का पुनर्गठन किया है और इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति का प्रमुख उषा थोराट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का कौन सा राज्य सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है, जिसका अर्थ बुनकर सम्मान योजना है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश भी की है। हाल ही में ली सिंग लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हमारे सिंगापुर के प्रधानमंत्री। चलिए मैं इसका कलर ले लेती हूँ पेन का, और ये हो गया सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं हमारे। सत्तारूढ़ पीपल एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सिंग लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो चलिए सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिंग लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो हाल ही में किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले का निपटान कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RP रामचंद्र मेनन ने किया।
चलिए हम छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी है अटल नगर, जो कि नया रायपुर जिसे कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है केसंग डी थोंगडोंग ने। केसंग डी थोंगडोंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अब केसंग डी थोंगडोंग की बात करें तो एक फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने अपने वित्तीय चित्र ची लूपो के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म भी आप याद रखेंगे कि किसके लिए उन्हें दादा साहब पुरस्कार मिला, तो ची लूपो के लिए उन्हें दादा साहब पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है IRDAI एडा ने। एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पादक तैयार किया गया और इस पॉलिसी के लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति उठा सकेंगे। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जैक चार्ल्टन एक फुटबॉलर थे, इंग्लैंड के 1966 विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है और 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानक पुरस्कार आयरिस से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ये फुटबॉलर थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान की गोलियों का शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन ने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है? तो ये मिला है हमारे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को। अमेरिकन स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में पहली बार ट्रांसजेंडर एक मॉडल है वेलेंटिनो, उनको स्थान मिला है और इस स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को का सर्कुलर जो है 10 लाख का है और इसे 2 बार नेशनल मैगजीन का अवार्ड भी प्राप्त है। तो इस मैगजीन का नाम रखेंगे, याद रखेंगे और याद रखेंगे कि अमेरिका से पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के CEO सुंदर पिचई ने PM नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तो CEO जो हैं गूगल के वो हैं सुंदर पिचई और सुंदर पिचई इंडियन मूल के हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो 75,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर कौन से नंबर के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बने हैं 7th। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इस समय भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति $69.9 बिलियन है जबकि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $69.1 बिलियन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, तो ये रूस पहला देश बन गया है। रूस के सिचिनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया और इसके साथ कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस ने कहा है कि उसने वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है? तो ये दी है नेपाल, मतलब कि थाईलैंड और नेपाल के दो देशों के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात में जमानत दे दी है और उन 75 नागरिकों पर दिशा निर्देश की कथित अवहेलना करके तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप लगाया। हाल ही में
किस कंपनी ने CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगर NTPC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये बना है ब्रिटेन में। टॉप तीन देश, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेस टूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। आंद्रेस टूडा को फिर एक बार पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट से जीत हासिल की है। पोलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है वारसा, मुद्रा है पोलिश जॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पी के पलानी स्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई जो सॉन्ग है वो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है, उसका विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पे लगे कितने वर्ष के बैन को हटा दिया है? तो ये 2 वर्ष के बैन को लगे हटा दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पे 2 वर्ष के बैन को हटा दिया। अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है, लेकिन CAAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा राज्य के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को आदेश दिया है कि वह 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरण को हटा दे। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है पाकिस्तान की असेंबली ने। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है? तो भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश में विशेष सामान से भरी पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुंटूर और इसके आसपास के इलाके किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते हैं, जिसमें लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान ने हाल ही में भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। केवल ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस फैसले को सामरिक और राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है।
हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो इन्होंने ये बनाया है हेमांग अमीन को। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया है हेमांग अमीन को। ये राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत में क्रिकेट मैच को जो रेगुलेट करता है उसी को कहा जाता है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अब इसकी पूरी डिटेल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जीके के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो करंट के साथ साथ हम लोग यहाँ जीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्थापना हुई थी 1928 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं, सीईओ बन गए हैं हेमांग अमीन, और इसके उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये फर्स्ट टाइम किया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किया है बांग्लादेश को। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये सूखी मिर्च भेजी गई है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से भेजी गई है ये सूखी मिर्च बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के। हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा 2030 तक। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा, जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। अब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1883 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल के मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगर हम RPFS निदेशक की बात करें तो ये हैं अरुण कुमार, और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को देश में चार्टर उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है एशिया महाद्वीप में स्थित, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। इस समय करंट प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अमेरिका की अगर यहाँ बात करते हैं तो अमेरिका अमेरिकी उपमहाद्वीप में स्थित है, और राजधानी इसकी वाशिंगटन है, वाशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, और इसके इस समय प्रेजेंट जो इसके राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए हैं हमारे के शिवान, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1982 में, और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसके फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं के सिवन। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इसका मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस में, और संस्थापक हैं थियोडोर वान कर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विधुपी नायर किस देश के भारत में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं तुर्कमेनिस्तान के। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान, ये जो नायर है वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है आशखबाद, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानात, राष्ट्रपति है
गुरबंगुल बर्दी मुहामेदो, और राष्ट्रीय खेल है तुर्कमेनिस्तान का फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 5G 4G स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो ये की है गूगल के साथ मिलकर। रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है, और दोनों कंपनियों का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चलिए आगे बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? तो ये हुआ है इफको को। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी जो समिति है इफको, यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 18-19 में 841.58 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी के टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ये हैं जेसन होल्डर। वेस्टइंडीज़ के जेसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रेटिंग के साथ आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पारी में 42 रन देकर 6 विकेट ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 31 जुलाई तक कम्प्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार ने हाल ही में 16 से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, और 16 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसका उद्देश्य मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, और इस अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। इस पुस्तक को हैचेड इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया, और इस बुक की कहानी एल्बर्ट मैकड्रिल मिडिल स्कूल के पास रखे बग पर केंद्रित है। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। आगे बात करते हैं, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे CRPF कहते हैं, CRPF होगा, के परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुभारंभ किया। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश का में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अफगानिस्तान में। भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत है। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ गनी अहमद जई। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये देखा गया है असम राज्य में।
असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। और असम की यहाँ बात करते हैं तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये इन दोनों को किया गया है, गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सचिन अवस्थी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के रूप से भी जाना जाता है और सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक सेमिनार में टॉप पब्लिसिस्ट का पुरस्कार दिया गया है। अगर WHD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम है और संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है फेसबुक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों जैसे कि CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG के जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही विदेशी ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी और अब तक राज्य में 5,300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। भारत की किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने, जो कि UV अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त इनमें से किसको नया उपाध्यक्ष चुना है? तो ये चुना गया है अशोक लवासा को। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। आगे, भारत में किस IIT संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो ये की है दिल्ली, IIT दिल्ली ने, जिसका नाम कोरोश्योर है और इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत है 399 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस दोनों मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे 78 ईयर्स के। इनके निधन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबने शोक जताया है। और पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी की बात करें तो स्वामी नारायण गादी संस्थान से ये जुड़े। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि जिसे कहते हैं, योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उसे अपने व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है वह यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने COVID-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? भारतीय रेलवे ने, DRDO ने, रक्षा मंत्रालय ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है DRDO ने, सॉरी भारतीय रेलवे ने।
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं इस समय पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहले संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक रिलोटेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी और डिटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा, मतलब कि अपने आप इसका भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपी स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने अपने 11th चांग सैटेलाइट लॉन्चर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपी स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षण कर लिया है। कमर्शियल उपग्रह एपी स्टार 6D को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है प्रवेश, प्रयास, प्रज्ञाता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा प्रज्ञाता। ये नया डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसमें ये एक दिशा निर्देश है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट आपको ये प्रज्ञाता ऐप ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रेट ली। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट मैच और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट लिए हैं। तो ये ब्रेटली के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है ट्यूनीशिया के। इलिस फाकफाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था, बट रिसेंटली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ट्यूनिल, मुद्रा है टुनसिया और राष्ट्रपति है कैस सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है? तो ये इंडिया का है ऐप, जो आप सबने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होगा, आरोग्य सेतु। रिपोर्ट के अनुसार आरोग्य सेतु जो ऐप है, अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप है, जिसको पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत है इस समय तीसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर यहाँ सबसे कम लागत में फैक्ट्री चीन लगा सकता है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। इस समय थर्ड पर इंडिया आ चुका है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो IPL इस बार होगा UAE में, लेकिन BCCI ने अभी शेड्यूल बनाया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इसी वजह से BCCI ने ये फैसला लेना उचित समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये किया है 4 साल के लिए स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट इस समय है थॉमस बैच और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। तो ये आप याद रखेंगे, ये GK का फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मेन न्यूज़ है, ये पाकिस्तान सरकार ने किया है। सरकार ने कहा है कि ये गेम जो है वो इस्लाम विरोधी है और इस गेम को खेलने से इसकी लत लग जाती है और साथ ही इस गेम में समय की बर्बादी भी होती है। तो ये पाकिस्तान ने कुछ सही काम किया है इतने दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है? तो ये किया है अमेरिका ने तैयार।
इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को दक्षिण अमेरिका का देश है एक सूरीनाम, वहां का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है और सूरीनाम जैसा देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सूरीनाम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पैरामारिबो और सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी है। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ये 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थी, इन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दिबांकर दत्ता। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन मुस्कान पहले मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, लेकिन इस समय जो किया है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान COVID-19 रखा गया है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 में, राजधानी है अमरावती और हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेंग मास जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि द टेंग मास, ये जो पुस्तक है, अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगमस पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया है? ऑप्शन हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। और ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भी हैदराबाद में ही स्थित है, इसलिए आयोजन भी वहीं किया जाएगा। हैदराबाद की जो राजधानी है वो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने USIBC 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है जिम टाइकलेट, एन चंद्रशेखरन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, इन दोनों ने जीता है USIBC का 2020 का लीडरशिप अवार्ड। ये पुरस्कार भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये जो इस समय जो चल रहा है उसमें प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया? तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर दिल्ली लगा के आएंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पटना। बिहार के पटना के एम्स ने भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवासिंग का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया। इससे पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आ गए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो अभी बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं, बट अगर पहले चरण का काम शुरू हो गया तो फिर एंड तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है 20 जुलाई, मतलब कि जिस दिन आप न्यूज़ सुन रहे होंगे उसी दिन। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 5 की, 7 की, 9 की या 11 की? तो ये की है 9 जजों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू पॉल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा और अन्य जज शामिल रहेंगे। आईपीएल के शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए बीसीसीआई पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो उस पर लगाया गया है 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस विवाद के कारण ये फैसला डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी के पक्ष में सुनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरई स्वामी का हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश के। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत है, इससे पहले वह भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है? तो ये खोला है भूटान और भारत के बीच में। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है और इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक, जिसे कहा जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इस समय है 3rd पोजीशन पे। चलिए देखते हैं पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। 3rd क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हमारी किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो रमेश टीकाराम थे एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनके बारे में। तो कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते थे। 2002 में पैरा एथलेटिक और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये और कोविड-19 के कारण इनकी मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन TIFF की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है हमारी प्रियंका चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो TIFF मतलब होता है यहाँ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हमारे देश की तेलंगाना राज्य सरकार ने। इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों को सुलझाना होगा। अब चलिए तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तिमली सिलाई सुंदर राजन, लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा के 119 सीटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। एक्सप्लेनेशन इसके देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में
पटाखे पर तो पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन इन दिनों सुपारी में तंबाकू मिलाकर बेची जा रही है। इस कारण दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में स्थित टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती मूर वली महसूद को किसने देश में वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। जून 2018 में मौलाना फजुल्लाह की मौत के बाद मुफ्ती नूर वली मसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इस समय वैश्विक आतंकवादी के रूप में नियुक्त कर दिया है, नामित कर दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और किस देश के बीच आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो रहा है? तो आप लोग जानते होंगे आजकल पाकिस्तान का सबसे जिगरी जो दोस्त है वो चीन है, तो उसी के साथ हो रहे हैं इस परियोजना पर हस्ताक्षर। इसके तहत झेलम नदी पर बने आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? तो ये हुआ है इजराइल और भारत के बीच मुख्य समझौता साइबर हमलों से बचने के लिए, जिसके तहत कोरोना वायरस के समय नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे निकले हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप की पहल शुरू की है? तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और ये टीमें पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेंगी। अब चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और मैं अपने करंट अफेयर में जीके भी साथ के साथ कराती हूँ। किसी भी स्टेट की बात हो, किसी भी कंट्री की बात हो, तो उसके बारे में सारी जानकारी हमारे करंट अफेयर में होती है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें करंट अफेयर को। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? जैसे कि मैं बता दूं, निष्ठा कार्यक्रम जो है जो उच्च शिक्षा के लिए है कि ऑनलाइन हम उच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं, उससे संबंधित है ये। तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम। ये स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए ये अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का मूल उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है गेबोन की, और ये याद रखेंगे क्योंकि ये पहली लेडीज प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ गेबान है, गेबान एक जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है लिब्रेविले और मुद्रा है CFA फ्रेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य की स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधे लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया। अब एक चीज ये याद रखेंगे कि हरेला जो पर्व है वो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्व है, तो ये भी इसके अंदर से एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही निकल के आया है। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो उसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें। उत्तराखंड की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी राजधानी है देहरादून और इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किया है अमेरिका के साथ भारत ने समझौता। चलिए अमेरिका की ओवरऑल देख लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में कौन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो ऑप्शन है ए मोरियाना काइट, नेक्स्ट बी ऑप्शन है मारियाना वर्दिनाइनिस, ऑप्शन है सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। गिनियन डॉक्टर, मतलब गिनी एक देश है, उनके डॉक्टर मरिसाना काइट और ग्रीस की मरियाना वर्दिनाइनिस, तो ये दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आप लोग ये अच्छे से याद कर सकते हैं। इन दोनों को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भी आप याद रखेंगे, तिजानी मोहम्मद बंदे। नेल्सन मंडेला उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा? तो ये आएगा 2023 में। तो आपको इससे ये जानकारी मिल गई होगी कि रेलवे में अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाया जाने वाला प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक 12 ट्रेनें होंगी। सभी 151 ट्रेनों को 2027 तक पेश कर दिया जाएगा, मतलब टोटल 151 ट्रेनों का लक्ष्य है और जिसमें से 12 ट्रेनें 2023 में चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं डॉम सिल्वे ICC के गेंद पर लार का इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये जो गेंद पर लार न लगाने का नियम था, ये हमारे इसका जो सजेशन दिया था ये अनिल कुंबले द्वारा दिया गया था, इंडियन क्रिकेटर द्वारा, और इसको नियम बना दिया गया था कोरोना की वजह से। तो अब इसको तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं वो हैं डॉम सिल्वे, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ये ओपनर बल्लेबाज हैं डॉम सिल्वे। इसने गेंद से गलती से लार करते हुए पाए गए हैं, क्योंकि अब ये तो हैबिट हो जाती है ना, जो लोग मतलब यूज़ करते हैं तो उनका आदत नहीं छूट पाती। इसके साथ ही वे ICC की गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले भी पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये घटना ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर लंच के ठीक पहले 42वें ओवर में घटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रैंड प्रिक जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये की है 8वीं बार इन्होंने। ये लुइस हैमिल्टन की 86वीं जीत है, 86th जीत है, और माइकल शुमाकर ने 1994 में पहली जीत दर्ज की थी और उन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स रिकॉर्ड 8 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पे अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है? तो ये किया है सऊदी अरब अमीरात, जिसे UAE भी कहा जाता है। इसने हाल ही में जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह पे अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। ये मिशन मंगल ग्रह होप नाम से डब किया गया है। UAE ने अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन 3:28 पे लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की सांसदों ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा या कानून प्रस्तुत किया? अमेरिकी संसद ने, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने, जापानी संसद ने या रूसी संसद ने? तो यहाँ करेक्ट आंसर है रूसी संसद ने। रूसी सांसदों ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है। रूसी जन्म संग्रह 2020 के मुताबिक मतदाताओं ने संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन को भारी समर्थन भी दिया है।
तो आज के करंट अफेयर यही ख़त्म होते हैं। तो होप आपको पसंद आए होगी वीडियो, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो व्यूअर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो ये की है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस देश के हैं? ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है जर्मनी। उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी और जर्मनी के लिए 57 मैच खेले और कुल 22 गोल किए हैं। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। शिक्षा मंत्री के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं ये, और इन्होंने मनोदर्पण नामक की पहल की शुरुआत की है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये पहल COVID-19 के दौरान उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीएस शेषाद्री का निधन हो गया, वे कौन थे? गायक, लेखक, गणितज्ञ या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रमुख गणितज्ञ थे। स्वतंत्रता के बाद के समय में सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर सी शेषाद्री का निधन हो गया। ये चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक निदेशक एमेरिटस थे। इन्होंने 2009 में देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में द एंडर गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है हुसैन जैदी द्वारा। अपराध लेखक है, क्राइम राइटर है ये एम हुसैन जैदी। इन्होंने नया उपन्यास लिखा है द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। पुस्तक को हार्पे कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वो कितने वर्ष के थे? तो वो उनका निधन हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे लखनऊ के सांसद भी थे। उनके निधन पर पीएम ने ट्वीट किया है, श्रद्धेय से लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले प्रथम प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस या राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर एक टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? तो ये बन गए हैं हमारे बेन स्टोक्स।
ये जो बेन स्ट्रोक है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की वजह से बेन स्ट्रोक दुनिया के नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं। 29 वर्षीय बेन स्ट्रोक बल्लेबाजी रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में BCCI क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? MS धोनी, सवा करीम, सी वेंकटेश या राहुल द्रविड़? तो करेक्ट आंसर है आज का सवा करीम। सवा करीम जो भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं हाल ही में BCCI क्रिकेट परिचालन प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट और 34 एक दिवसीय मैच खेले हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, बट वो दे चुके हैं इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशिया का देश बन गया है? तो ये ऑप्शन आपके पास, पहले देख लेते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या जापान। तो अगर आपको नॉलेज है तो बताइए, नहीं मैं आपको आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। US पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन दर है। अभी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने किस देश में होने वाले 2020 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या बांग्लादेश? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है। इस 2020 वर्ल्ड कप को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो पूर्वोत्तर आपको पता होगा कि असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो ये हो गई है 2023 तक सभी राज्यों को रेल से जोड़ने की घोषणा 2023 तक। इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं और रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS निदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये एक क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया है। जर्मन ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट में 19 मैच खेले हैं जिसमें 50 कैच लेने के साथ साथ 400 रन बनाए हैं। तो आप ये याद रखेंगे बैरी जर्मन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भारत के साथ। भारत ने सेशेल्स, मालदीप, मॉरिशस, कोमोरस देशों की चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया है। तो ये याद रखेंगे नाम ऑपरेशन का, सागर। चलिए मालदीप की बात करते हैं, तो मालदीप की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीप रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है PNB बैंक ने। चलिए एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। तो COVID-19 को रोकने से फैलने के लिए पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है PNB बैंक द्वारा, जिसकी स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1894 में। ऑलमोस्ट ये पहला भारतीय बैंक कहा जा सकता है इसे, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह ने लिखी है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तो उधम सिंह के इसमें कई पहलुओं का वर्णन किया है और आपने आज की थंबनेल में भी इन्हीं का पिक्चर देखी है। तो ये जो बलदेव सिंह है, इन्होंने जो बुक लिखी है ये उधम सिंह पे रिलेटेड है, उधम सिंह के ऊपर लिखी है इन्होंने, और इस पुस्तक को यूनिस्टार्स ने प्रकाशित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक उपन्यासकार थे। अब देख लेते हैं कि ये उपन्यासकार थे और इनका सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यास है अल्टीमास ट्रेडर्स ऑन टेरेसा 1965 में जो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? जापान, नेपाल, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसमें कतर। फीफा जो पूरे विश्व में फुटबॉल खेलों को फीफा रेगुलेट करता है और इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पॉसिक्स पॉसिंग जिसे कहा जाता है एक्सरसाइज शुरू हुई है? तो एक्सरसाइज बहुत याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है और ये कोविड-19 के बीच शुरू हुई है इसलिए आप जरूर याद रखेंगे इसे। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। इस एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ है और अमेरिका यूएसए की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जिन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है इसकी अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर के साथ वे कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बट मोदी के बारे में है और ये 1, 2, 3 पोजीशन के बारे में इसलिए मैंने आपको दिया। तो ये पहुंचे हैं 3rd स्थान पे। पहले स्थान पे हैं बराक ओबामा अमेरिका के और दूसरे स्थान पे डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, और बहुत ही गर्व की बात है कि तीसरे स्थान पे भारत के नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो जोरम नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मिजोरम में हुआ होगा। जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के अजय लांबा। लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं। नेशनल पार्क की यहाँ बात करें तो माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल 8 दिनों के भीतर कुल संपत्ति में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने के कारण मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? ये भी भारत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये बन गए हैं 5वें सबसे अमीर शख्स, जबकि कुछ दिनों पहले वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स बने थे लेकिन 185.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस पहले स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने के साथ कौन सी एक्ट्रेस इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस बन गई है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। प्रभास के साथ आने वाली फिल्म के लिए 20 करोड़ रकम लेने के साथ दीपिका पादुकोण इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली एक्ट्रेस बन गई है। ये फिल्म 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल समय में कितने मीटर रेस को रिकॉर्ड 4 मिनट में पूरा करने वाले अमेरिके के जिम रियून को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये है 1600 मीटर की रेस इन्होंने कंप्लीट की है। लगभग 56 वर्ष के 1964 में अपने स्कूल समय में 1600 मीटर की रेस को इन्होंने 4 मिनट में पूरा कर लिया था और ये अमेरिका के पूर्व भावक हैं जिम रियून, जो इस समय 73 इयर्स के हैं। इनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की है। 3 बार के ओलंपियन रियून कांग्रेस की ओर से 10 साल से सांसद भी रह चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के किस शहर में पहला ई चार्जिंग प्लाजा शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली में। एनडीएमसी के साथ मिलकर ईएसएल ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग जो प्लाजा है वो शुरू किया है, स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की गई है? तो ये है चीन के साथ।
भारत के बाद जापान ने भी चीन को झटका देते हुए चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। जापान की सरकार ने कहा है कि प्रक्रिया में होने वाला सारा खर्च सरकार देगी, जबकि पहले ही भारत ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, तो ये रहा है 129 पोजीशन पे। जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129 रैंक हासिल हुई है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड है 24.67 Mbps, जबकि अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी कितनी स्ट्रीमों में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। तो ये दिया है 10 स्ट्रीमों में। ये सभी 10 स्ट्रीमें आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, एजुकेशनल कॉर्प, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और अन्य हैं। ये जो 10 स्ट्रीमें हैं, ये जो मैंने बताई, ये निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये है सिंगापुर देश की नर्स। सिंगापुर देश में कोरोना के समय के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाली भारतीय मूल की नर्स हैं कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे उन 5 नर्सों में शामिल हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। तो करेक्ट आंसर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में AGR के लिए 15 साल का समय मांगा था, तो इसलिए ये रिफंड देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने पेंशन देने वाली मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो मधुबाबू पेंशन योजना आप लोग को पहले भी मैं करंट अफेयर में करा चुकी हूँ, ये है उड़ीसा सरकार की योजना। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में पेंशन देने वाली मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिससे लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में विश्वनाथन को किस खिलाड़ी ने हराया। तो मैगर्सन कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हरा दिया है, और इन्होंने आनंद को 1.5-2.5 से हराया है। इस टूर्नामेंट को $150,000 की इनाम राशि है। और मैगनस कार्लसन की बात करें तो ये नॉर्वे के वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना 93-1 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत 93-1 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है। इस 6 पहियों वाला ये रॉकेट है इसमें, और इसे हेनियान से लॉन्च किया गया। 93 शब्द का अर्थ है स्वर्ग से सवाल पूछना। हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडिया ने तो लगाया ही है, उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। किसने लगाया है, तो ये लगा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की यहाँ बात करते हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। इजीमाला, नागपुर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है भारतीय नौसेना के लिए, और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थापित किया गया है इजीमाला में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा संयंत्रों के सभी घटकों के को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इजीमाला जो है वो केरल राज्य में है, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। 15 जुलाई को, 21 जुलाई को, 26 जुलाई को, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। चलिए एक्सप्लेनेशन,
26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया। इसी याद में 26 जुलाई को अब हर वर्ष करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन उमकांपा का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन है जर्मनी, तंजानिया, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया, वो तंजानिया के राष्ट्रपति थे। तंजानिया की बात करते हैं तो उसकी राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और राष्ट्रपति है जॉन मैगुफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, मुथूट फिनकार्प, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है मुथूट फिनकार्प। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के व्यवसाय को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एंथ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो ने, नासा ने, स्पेसएक्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है नासा के द्वारा। इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेज जाएगा और ये दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। अब नासा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और अध्यक्ष इस समय करंट में है जिम ब्रिडेनस्टाइन। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, स्मृति ईरानी और सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख के तो आपको अमित शाह, स्मृति ईरानी में से एक लग रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। इस ऐप की मदद से प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लग सकेगा और फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, वे कौन थी? लेखक, निर्देशक, कोरियोग्राफर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है कोरियोग्राफर। उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में उनके योगदान के लिए बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है? ओला ग्लोबल, ओला कॉरपोरेट, ओला एंटरप्राइजेस या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ओला कॉरपोरेट। यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजार में उतारा गया और जिसने देश में 10,000 कॉरपोरेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया था। ओला की बात करते हैं तो इसके CEO हैं भावेश अग्रवाल और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौधन न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। गौधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर की खरीद करेगी और यह योजना गाय के गोबर को एक भरोसेमंद फायदेमंद वस्तु में बदलेगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को, राजधानी है अटल नगर जिसे नया रायपुर कहा जाता है, मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है P.R. रामचंद्र मेनन। लोकसभा की यहाँ 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप्स पे बैन लगा दिया है? तो ये लगाया है अब 47 ऐप्स पे बैन। ये सभी ऐप पहले भी बैन किए गए थे और ये ऐप क्लोन के तौर पर कार्य कर रहे थे। अब नेक्स्ट है, ICC ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है? इंडिया सुपर लीग, ओवर सुपर लीग, एक दिवसीय सुपर लीग या T20 सुपर लीग? तो करेक्ट आंसर है एक दिवसीय सुपर लीग। ICC मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। इस लीग का उद्देश्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? तो ये टाला गया है 2023 तक के लिए, सॉरी 2021 तक के लिए। भारत में आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समस्या को कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। FATF ने के विशेषज्ञ सितंबर अक्टूबर में भारत आकर इन कदमों की समीक्षा करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 2 रवाना हो चुके हैं और आज है 29 जुलाई और आज वो इंडिया आएंगे। यहाँ 5 राफेल जेट लिखे हुए, इसको मैं क्लियर करके आपको बता दूंगी, 5 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं, जो कि 29 जुलाई 2020 को भारत आ जाएंगे। इन फाइटर जेट प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबोस बेस पे ला रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इंडियंस के लिए। नेक्स्ट डे 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है यहाँ पर विश्व प्रकृति दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, दोनों यहाँ पर मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दोनों मनाया जाता है। साथ ही भारत में आज के दिन वन महोत्सव दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीबी ने तेज गेंदबाज काजी अनिल इस्लाम पर कितने साल का बैन लगा दिया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो करेक्ट आंसर है 2 साल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 2 साल का बैन लगा दिया है। उन्हें 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के मैच में प्रतिबंधित पदार्थ मेथामफेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं 33 वर्ष के। उन्होंने इस सीजन में 23 गोल किए हैं और वे 33 वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कंपनी से सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? हीरो होंडा ने, हीरो मोटर्स ने, TVS मोटर्स ने या बजाज मोटर्स ने? तो करेक्ट आंसर है होंडा मोटर्स ने। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सितंबर 2019 में BS6 वाहनों की सेल शुरू की थी। भारतीय बाजार में होंडा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो मोटरक्राफ्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की IIT संस्थान ने सबसे सस्ती 400 रुपये की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है, तो कौन सी IIT ने की है? IIT दिल्ली, खड़गपुर, कलकत्ता या चेन्नई? तो करेक्ट आंसर है IIT खड़गपुर ने। इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच सिर्फ 400 रुपये में की जाएगी और केवल 1 घंटे के अंदर ही टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर है हरियाणा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। पंचकुला का नाम इस बड़ी गेम्स के लिए फाइनल कर दिया गया और पंचकुला हरियाणा में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बल स्थापना दिवस या फिर महिला आयोग स्थापना दिवस, नीति आयोग स्थापना दिवस या निर्वाचन आयोग स्थापना दिवस? तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। 27 जुलाई को मनाया जा रहा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस और CRPF का गठन 1939 शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है? तो ये देश है हमारा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर तानाशाह किम जोंग उन ने आपात बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है। करीब 2 लाख की आबादी वाला केसोंग शहर दक्षिण कोरिया के साथ लगती सीमा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की टीम ने 30 सेकंड में कोविड 19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं? जापान, अमेरिका, इसराइल या चीन? तो करेक्ट आंसर है इसराइल। भारत और इसराइल की टीम 30 सेकंड में कोविड 19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली दूतावास ने दी है। साथ ही आने वाले समय में इसराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारत इजरायली एंटी कोविड 19 को ऑपरेशन शुरू भी करने जा रहा है।